हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अंशु बेस्ट। और गाइज, आज हम लोग खेलने वाले हैं सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 5, जो कि बहुत खतरनाक होने वाला है। जैसे कि तुम्हें पता है कि लास्ट एपिसोड में क्या था, जो कि 2 दिन पहले था, मुझे पता है गाइज। अब से हम लोग क्या करने वाले कि एक दिन डालने वाले हैं हम लोग वन ब्लॉक का, और एक दिन हम लोग डालेंगे सर्वाइवल सीरीज का, और कुछ बीच बीच में तुम लोग मजेदार सा कुछ इंटरेस्टिंग सा लेके आऊंगा। मैं एक मॉड पर भी काम कर रहा हूं, अगर वो सही हो जाता है तो फिर मैं तुम लोग लो वो भी लेके आऊंगा। तो अभी के लिए गाइज, अभी एक बार रिकैप ले लेते हैं एपिसोड 4 में क्या होता है। एपिसोड 4 में गाइज हम गए थे एक प्यारी सी रवीन के अंदर, जिसमें बहुत बार मैं मरते मरते बचाऊ, लेकिन सबको पता है कि इस वाली सीरीज में मैं एक बार भी नहीं मरा हूं। तो उस रवीन के अंदर जाके मैं कैसे ना कैसे करके कुछ डायमंड्स लेके आया था भाई। क्या ही था यार वो सीन। तो हम लोगों ने उससे एक पिकैक्स बनाई हुई है। बट गाइज, जो कि मैंने तुम्हें पहली चीज बोली थी जिस दिन हमने ये सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करी थी, मैंने क्या बोला था फर्स्ट एपिसोड में, मैंने तुम लोगों को बोल दिया था कि गाइज हम लोग एक दिन एक विलेज ढूंढेंगे। सही कहा था ना? तो आज गाइज वो एपिसोड है जिसमें हम लोग विलेज ढूंढने निकलेंगे। तो गाइज चलो और चलते हैं एक नए वोयाज पे, जहां पर हमको एक विलेज ढूंढनी है कैसे भी। ओके, तो गाइज हम लोग आ चुके अपने प्यारे प्यारे ट्री हाउस में, और जैसे कि तुमको पता था लास्ट एपिसोड बहुत ज्यादा एपिक था गाइज। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कलेक्ट करी थी। एक मिनट, मेरी डायमंड, हियर इट इज गाइज, हमारी डायमंड वाली पिकैक्स। ओह माय गॉड, क्या ही प्यारा लगता भाई मैं इसके साथ, क्या बोलते हैं गाइज, लगता है इस हीरो जैसे। और बहुत सारा डायमंड, ओ यस, बहुत सारा गोल्ड मैंने यहाँ पर रखा था, और बहुत सारा सिल्वर भी रखा हुआ था। तो गाइज एक मिनट, इसको यहाँ रख देते हैं। तो ये सिल्वर और गोल्ड भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ फटाफट से अपनी जेब से निकाल के। ये गोल्ड इंगेट और ये सिल्वर का, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, सॉरी, ये आयरन का 41 आयरन यार, सिल्वर कौन यार, ठीक यार मेरे को भाई सच्ची बताओ, ये सिल्वर जैसा लगता है भाई आयरन से ज्यादा, ठीक है। तो यस, हम लोग सारा का सारा अपना कूड़ा जो है वो एक चेस्ट में जल्दी से रख देते हैं। ओके, तो गाइस सारा का सारा सामान रखने के बाद अभी हमारे पास इन्वेंटरी में सिर्फ एक वाटर बकेट बची है, एक डायमंड पिकेक्स बची है, और कुछ और टूल्स बचे हुए जो कि आप देख सकते हो। और बाकी फिर हम लोग एक बो रख लेते हैं अपने पास, क्योंकि बहुत डेंजरस होने वाला है गाइस, हम लोग बहुत टाइम तक घर से दूर रहने वाले, क्योंकि इतना आसानी से तो मिलने नहीं वाला यार, लेकिन मैं भी बिना लिए छोड़ूंगा नहीं। तो भाई कैसे भी हम लोग ढूंढेंगे, थोड़ी पिकेक्स रख देते हैं बाई चांस हम लोगों को अगर कोई चीज़ माइन करनी पड़ गई, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ अच्छा सा दिख गया तो एक पिकेक्स रख दे। और मैं मजाक कर रहा था, हम लोग अपने डायमंड के पिकेक्स कहीं नहीं ले जा रहे भाई, ये डायमंड के पिकेक्स हमें नेदर तक ले जाएगी। ओके, बट जाने से पहले गाइज एक बार फटाफट से सो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो रही है यार, इसको बंद कर देता हूँ, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। तो गाइज जाने से पहले एक बार सो लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो रही है और हम लोग यार एक बार भी नहीं मरे, तो लेट्स कीप इट दैट वे कि हम लोग एक बार भी ना मरे। तो गाइज एकदम चंक सुबह हो चुके। ओ गाइज, हमारा नीचे सारा का सारा फार्म में जो खाना है वो पूरा बन चुका है। तो चलो गाइज चलते हैं, मैंने एक आयरन तो इंगेट रखा ही हुआ है अपने पास, तो इसको बंद करते हैं। जाते जाते घर तुम्हारी बहुत याद आएगी, एक मिनट रुको यार, याद क्या आएगी, एक मिनट रुको, एक काम करते हैं, मेरे पास यहाँ पे वूल है क्या, चलो 2 वाइट वूल है, हम लोग एक और बकरी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो शेयर तो मैं बनाने वाला, तो तुम्हें पता है कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा ओक लॉक, इस ओक लॉक का हम लोग यूज़ करके फटाफट से इसे निकाल लेते हैं, कुछ ओक के प्लैंक्स, और ये प्लैंक्स मैं अपने पास रखूँगा कि हमें कुछ भी बिल्ड करने की जरूरत पड़ सकती है गाइस। तो चलो एक शील्ड और नई बना लेते हैं, पहले इस शील्ड को ही हाथ पे रखेंगे जब तक ये टूटती नहीं है, तब तक भाई यार देखो बहुत अभी थोड़ी गरीबी चल रही है। तो चलो गाइस फटाफट से इसको हार्वेस्ट करते हैं, बनाते हैं अपने लिए कुछ ब्रेड्स। ओके, तो हमने सारी की सारी यहाँ पे निकाल ली, ओह एक बच गई थी, चलो ठीक है, तो हमने सारी की सारी यहाँ से निकाल लिए गाइस। और अब यहाँ पर सारे की सारी मैं वापस से उगा भी देता हूँ। ओके, तो हमने सारी की सारी यहाँ पर उगा दिए गाइस। पता नहीं यार, ये मतलब ऐसा लगता है ना कि बहुत काम है, बट यार ये पता नहीं बड़ा सेटिस्फाइंग सा है, मतलब पता नहीं मेरे को बड़ा सेटिस्फाइंग सा लगता है। तो गाइस ये हमने कर दिया, और हमारे पास 35 शायद से ज़्यादा ही होंगी, यस एक स्टैक, और उसके बाद 35 पड़ी है। तो हम लोग अभी के लिए तो यहाँ पे, ओ नाइस है, 1 2 और ये सारी की सारी यहाँ, तो हमारे पास 33 ब्रेड हो गई है, और बाकी बहुत सारा सीड हो गया है यार। मैंने तुम्हें गाइज लास्ट टाइम क्या बताया था कि हम लोग यहाँ पर एक हॉपर वाला करते ना, तो चलो पहले वो वाला काम करते हैं, फिर हम लोग विलेज के लिए निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि यार फिर वही होता है कि अगर मैं बोलते रहा और मैं करा नहीं, तो बाद में फिर वो डिले होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग थोड़े से आयरन इंगेट ले लेते हैं अपने पास, और हमारे पास 2 चेस्ट यहाँ पर पड़े हुए थे, एक्चुअली एक ही चेस्ट था क्या, हाँ चलो एक ही चेस्ट था, कोई बात नहीं। तो चलो हम लोग ले जाते हैं, और जब मैंने तुम लोगों से लास्ट टाइम बोला था कि हम लोग बनाएंगे, वो अभी यहाँ पर बना देते हैं। तो गाइज ये जो हमारा है, इसके लिए मैं सोच रहा था, तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि यहाँ पर पहले तो एक छेद ऐसे मार लेते हैं, फिर एक और मार लेते हैं, और ये करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगाने वाले गाइज अपना चेस्ट, ठीक है, ऐसे,
और एक काम करते हैं, हमारे पास प्लैंक्स की कमी नहीं है तो हम लोग एक और चेस्ट बना लेते हैं अपने लिए जल्दी से। बढ़िया, तो एक और चेस्ट बना लिया, अब इस चेस्ट को भी हम लोग उसके बगल में रखते हैं। मतलब मेरे को पता है कि इतना ज़्यादा तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। और जल्दी से जाके एक हॉपर बना लेते हैं अपने लिए। ओके, तो गाइज हम लोगों ने एक हॉपर और एक चेस्ट बना लिया है, तो जल्दी से ये कर लेते हैं। और ये देखो मैंने ये रख दिया, अब हम लोग जो भी इस हॉपर में डालेंगे, रुको मैं कुछ सीड्स लेके आता हूँ। ओह हमारा फूड बार कम है यार, एक मिनट यार, सुबह की शुरुआत कैसे होती है गाइज तुम्हें पता है ना यार। एक मिनट, थोड़ा पानी यहाँ पर रखते हैं। और हमारी गाय माता का है भाई, गौ माता यार हमेशा दूर दूर भाग रही है यार, वो देखो इस बार वहां गई हुई है यार, ये भी ठीक है। ओ गौ माता तुम हमारे घर के पास क्यों नहीं आता? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। बट एटलीस्ट आई ट्राइड यार, कसम से यार मेरा इतना प्यारा घर है गौ माता, तुम्हारे लिए वहां मैंने वीट भी उगा रखा है, कभी कभार आके खा लो, कोई टेंशन नहीं है, मेरे को कौन सा इतना सारा चाहिए यार। चलो गाइस, तो सुबह की शुरुआत तुमको पता है कैसे होनी चाहिए, होनी चाहिए दबा के ब्रेड जब तक आपका पेट ना भरे, और उसके बाद उसके ऊपर जब एक ग्लास दूध मिल जाए तो आ हा हा भाई साहब, अब हुई ना हमारी सुबह की शुरुआत गाइस। तो चलो अब चलते हैं और हम लोग फटाफट से उसमें वो डाल के देखते हैं। मैंने जहां पर पानी ऐसे रखा था पहले, वो पानी मैं उठा लेता हूँ जल्दी से जाके। ओके ये था, तो ये पानी मैंने उठा लिया वापस, और ब्रेड तो हमारे पास है ही थी। और यस हम लोगों को थोड़े से सीड्स निकाले, 64 सीड्स ले लेते हैं, एक काम करते हैं। अब देखो अब हमें क्या करना है कि बस यहाँ पर ऐसे, ये देखो अब हम इसमें बस ये करेंगे, तो देखो देख रहे हो गाइस, देखो इसमें ये देखो बोन मिल बना और ये बोन मिल नीचे। लेकिन गाइस तुमको अभी भी ये बहुत स्लो नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि लाइक हमको यार अभी भी बहुत काम करना पड़ेगा, कौन यहाँ पे खड़े होकर ऐसे सीड डालने बैठेगा, और हमको फार्मर वार्मर कुछ चाहिए नहीं, तो वील जस्ट नीड वन मोर हॉपर। चलो एक काम करते हैं, एक और हॉपर बनाते हैं, ठीक है। तो पहले उसके लिए हमें चाहिए होगा एक चेस्ट, उसके बीच में रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आयरन इंगेट रखेंगे और एक और हॉपर बनाया। ओ हमको एक और चेस्ट बनाना पड़ेगा, एक मिनट रुको गाइस। तो चलो गाइस एक चेस्ट बनाते हैं फटाफट से, पहले क्या करते हैं कि इसके ऊपर लगाते हैं एक हॉपर, ठीक है। तो इसके ऊपर हमको लगाना है एक हॉपर, ये लग गया, और इस हॉपर के ऊपर लगाना है एक चेस्ट, ये लो। तो गाइज ये लग गया हमारा चेस्ट, और अब हम लोग क्या कर सकते हैं गाइज कि यहाँ पर अब देखो, अब हम यहाँ पे सीधे डालेंगे, ये देख लो कम हो रहा है, ये देखो ये सीधे इसके अंदर जाएगा और यहाँ से सीधे हमें बोन मील मिलता रहेगा। इट्स नॉट लाइक कि बोन मील बहुत मुश्किल चीज़ है, बट यार इतना सीड हमारा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि देखो जितनी बार हम इसमें हार्वेस्ट करते हैं उतनी बार हमको सीड मिलता जाता है। तो हमारे पास इतना सीड है कि हम इससे इतना सारा बोन मील बना सकते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं 2 stack seed तब भी अपने पास लाइक टू बी ऑन अ सेफर साइड रखूंगा, बट बाकी का जितना भी है वो थोड़ा हमारे लिए यूजलेस सा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा सीड जो है हमारा यूज होने के बाद उसको हमेशा लाइक यहाँ से आएंगे और यहाँ पे डाल देंगे, हमको कौन सा ही बहुत दिक्कत हो रही है। और बाकी फिर यहाँ से ऐसे हाथ मार के इस चेस्ट में से जितना भी बोन मील हमको चाहिएगा वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा गिरने का सीन है, वरना तो बहुत ही सही था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये मैं बहुत टाइम से करने की सोच रहा था यहाँ पर, और आज हमने कर दिया है। तो अब हम लोग भाई फ्री टू गो हैं फॉर आर क्या कहते हैं नेक्स्ट वर्ड। या मेरे पास एक और आइडिया है, ओके शुगर केन है ये, शुगर केन एक काम करते हैं, देखो बाद में बहुत काम आने वाली जब हम एन्चांटिंग शुरू करने वाले, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर से पहले ये वाटर ब्लॉक को हटा देता हूँ, और अब शुगर केन यहाँ पर ऐसे उगा देते हैं, बाद में हम लोग एक प्रॉपर शुगर केन का प्लांट बनाएंगे, बट अभी के लिए ये करते हैं। मैं क्या सोच रहा था, मेरे पास एक आइडिया था गाइस, मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना अगर ये आइडिया तुम्हें भी अच्छा लगे। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक डॉक बनाया जाए, लाइक हमारा घर अगर इसके पास है तो क्यों ना इसका पूरा इस्तेमाल किया जाए, लाइक सी साइड हमारा घर है, तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ एक डॉक बना जाए बड़ा सा ऐसा, जहाँ से शिप्स निकले, ये थोड़ा एरिया क्लीन करके यहाँ से ऐसे करेंगे डॉक निकालेंगे और बड़ी सी शिप वाला हाउस बनाएंगे, जिसमें ऐसा खतरनाक एकदम शिप जैसी हो, और उसके अंदर से एक छोटी शिप निकलने का रास्ता हो, जिससे हम लोग जब भी कहीं पानी के लिए निकले तो एकदम स्टाइल में निकले। तो मुझे इस चीज़ का प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें आइडिया कैसा लगा। तो चलो अब लेते हैं बर्ज बोट हाथ में, जैसे कि मैंने तुम्हें उस दिन मतलब स्टार्टिंग में दिया था कि हम लोग कैसे करना। ओ एक मिनट गाइस, हम लोग पहले अपना सारा का सारा आयरन रखाते हैं यार, क्योंकि तुम लोगों को पता है आयरन का सीन बहुत खराब है यार गाइस, वैसे ही हम लोगों को ज्यादा नहीं पता, हमको एक खुद की माइन भी बनानी बहुत जल्दी, ठीक है। तो आने वाले एपिसोड्स में गाइस रेडी रहना, हम लोग खुद की एक माइन भी बना सकते हैं, फिर आयरन का एक फार्म भी बना सकते हैं। तो चलो गाइस, जो कि मैंने तुम लोगों से पहले स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग क्या करने वाले, हम लोग एज एज में रहेंगे पूरा आइलैंड के, और ट्राई करेंगे कि ढूंढने का अगर दूर दूर तक हमको कोई विलेज दिख जाती है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं यार, बहुत टाइम लगने वाला है, तो मे भी पता नहीं ये रिकॉर्ड होगा लाइक 1 घंटा 2 घंटे का, और मैं इसको छोटा पता नहीं कैसे करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि मेरे को लाइक मिल सकता है यार इतना आसानी से। तो चलो ट्राई करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाई क्या ही लग रहा है, एक बार होराइजन देखो, सूरज और लिटरली वाटर जो है वो एकदम मिल रहा है, ऐसा क्या क्यूट सा लग रहा है भाई। ग्राफिक्स तो यार, ये शेडर्स कितने ही प्यारे हैं भाई, पानी की क्वालिटी इज लाइक नेक्स्ट लेवल इन दिस।
तो गाइज यार बोट चलाते चलाते हो चुकी है रात, और भाई साहब मतलब यार रात को भी क्या ही लाइक चांद क्या ही चमक रहा है भाई, एकदम मस्त। लेकिन यार इतना डेंजर हम लोग ले नहीं सकते, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पर रुकते हैं, फटाफट से अपना बेड डालते हैं गाइज और इसमें सो जाते हैं, इससे पहले कि यू नो मॉन्स्टर्स यार हमें मार दें, क्योंकि हमारा लेवल ऑलमोस्ट 20-21 है, तो यार इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें काफ़ी ज़्यादा। तो चलो गाइज वापस से वही चीज़ कंटिन्यू करते हैं, हम लोगों को एकदम एज एज में रह के निकलना है यहाँ से, और ट्राई करना है कि लेकिन हम लोग अपना देखते रहेंगे कि हमको अगर हल्का सा भी कोई लाइक एक हल्का सा भी हमको वो दिखे, एक एक आशा की किरण दिखे कि हाँ यार कुछ मिल गया करके, तो यार एक विलेज चाहिए बस, प्लीज यार दिलवा दो भाई। ओके तो गाइज यहाँ पर भी मैं पूरा घूम के आया, लेकिन मेरे को कोई विलेज विलेज जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। हम लोग बीच में बात, वैसे भी वहां पर भी बीच ही था, तो यहाँ इस साइड को भी कुछ नहीं है, तो चलो पूरा घूम के चलते हैं अब इस साइड को, काश यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको मिल जाए भाई। देखते हैं, कुछ तो दिख नहीं रहा है। ओ भाई वो क्या, एक ये क्या है, तो ये शिपरेक है क्या, ये शिप टूटा हुआ है क्या इधर? ओ भाई ऐसी कुछ है गाइस, शिप जैसे कुछ दिख रहा है। ओ भाई इसमें ट्रैप डोर्स, ओ ये शिप जैसे ही गाइस। पहले तो यार ये डार्क ओक के ट्रैप डोर्स में ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं भाई। यार डार्क ओक भी है थोड़ी, तो मैं डार्क ओक भी ले रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता भाई, ठीक है मैं, हाँ भाई मैं लीचर हूँ भाई, मैं एक शिप मिली है उसमें चेस्ट ढूंढने की जगह मैं यहाँ पर डार्क ओक उठा रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा इसको ले लूंगा, और मैं क्या करता हूँ ना गाइस, इसमें ढूंढता हूँ कि कहीं पे अगर मेरे को चेस्ट मिले, यही गाइस ऐसा ही मैं एक शिप बनाने की सोच रहा, ऐसा रैक्ड नहीं। ओ वो देखो गाइस एक चेस्ट मिल गया, नाइस है। ओ भाई लैपिस लजूली और इतना सारा एमरल्ड, भाई एमरल्ड तो एक भी नहीं था, अब हमारे पास 5 एमरल्ड हो चुके हैं भगवान प्लीज यार। अब वो जो एक क्या कहते हैं हमारा वो नहीं था, क्या कहते हैं ट्रेडर आया था, वो आ जाए वापस और हमको दोबारा से स्प्रूस का सैपलिंग दे दे, तो मजा आ जाएगा यार। ये गाइस ये चेस्ट भी हम लोग रख लेते हैं और इसको भी तोड़ देते हैं, और अंदर को देख के आते गाइस अगर कुछ मिले। अच्छा नहीं एक्चुअली तो बाहर को है, तो हमको अंदर को जाना चाहिए, ठीक है। मैं वही करूंगा, मैं ज्यादा देर सांस मतलब पानी के अंदर नहीं रहूंगा, मैं ट्राई करूंगा बट टोड़ा, और अगर कुछ दिख जाता है तो दिख जाता है। वो चेस्ट है क्या, नहीं। ओके मेरे को लगा ऐसा जैसे मैंने चेस्ट जैसा देखा, बट इट वॉज नॉट अ चेस्ट। तो भाई इसको पूरा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है शायद से, मुझे थोड़ा पानी के अंदर तो जाना ही पड़ेगा यार इन दी एंड, ठीक है। ये और तो कुछ मेरे को इसमें दिख नहीं रहेगा इस, ठीक है। यहाँ से एक बार नीचे चले जाते हैं। ओ भाई भाई क्या ही शिप बनाया यार भाई, शिट भाई 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 भाई, भाई, भाई। मन करा पूरा खोल दूँ टू बी ऑनेस्ट। ओ भाई गाइस गाइस एक चेस्ट दिखा है मेरे को, बट यार यहाँ जाना सेफ है। एक मिनट में, अरे मैं घुस तो क्या, मैं निकलूंगा कैसे? ओ भाई नहीं, मेरा एचपी जा रहा है, मेरा एचपी जा रहा है, शिट शिट। ओ भाई मेरा एचपी जाने से इतना तो दूर था, बस वो लास्ट बुलबुला फटने वाला था। तो गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अंदर जाने वाला हूँ और सारा का सारा इसके अंदर जितना भी माल टाल कुछ मिलता है तो मैं उसको खोलता हूँ। अरे यार क्यों मजे ले रहे हो गेम मेरे साथ, मैंने पूरा सी मैंने जैसे CTRL दबाया वैसे ही ये कुछ प्रॉब्लम हो गई। चलो ठीक है घुसते हैं अंदर और इसके अंदर का सारा माल टाल लेते हैं। पेपर 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 पेपर, फैदर फैदर फैदर, और बरी ट्रेजर मैप मिल गया भाई। गाइस तुम लोगों को पता है ना बड़ी ट्रेजर मैप क्या, गाइस इसको भी तोड़ते हैं, इसको भी ले चलते हैं ऊपर। अरे यार मैं मरने वाला, मैं मरने वाला गाइस, मैं मरने वाला, ठीक है भाई। देख रहे हो गाइस इतनी गरीबी है कि एक एक चेस्ट लेके जा रहा हूँ मैं अपने साथ, देख रहे हो। अरे यार घुस जाना अंदर भाई, यार अभी तो गए थे यार, अभी गए थे भाई, इट्स नॉट इम्पॉसिबल ना भाई, क्या है यार ये। चलो कोई बात नहीं गाइस, हमको यार एक बड़ी ट्रेजर मैप मिला, जल्दी से एक बार देखते हैं बड़ी ट्रेजर मैप को हम लोग। एक मिनट को यहाँ पर ले लेते हैं, ये लैम्प का मीट हटाते हैं। ओके तो ये है कहीं पर, यहीं कहीं पे हो सकता है, नॉट श्योर कहाँ पर है, ठीक है। बट ओके भाई हम लोग काफ़ी क्लोज हैं यार, इसके काफ़ी बड़ा सा डॉट आ रहा है हमारा। एक काम कर देंगे इसको हम लोग अपनी शील्ड की जगह पे रख देते थोड़े टाइम के लिए, और जैसे जैसे हम बोट चलाएंगे हम लोग कहीं कहीं पे रुक रुक के देख लेंगे। अगर बाई चांस हमें खजाना मिल जाता है गाइस, तो तुमको बताना हमको क्या मिल सकता है, हमको मिल सकता है हार्ट ऑफ द सी। तो अरे भाई ये तो यहीं पर है, और ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज है गाइस, ये देखो सीधे ब्लू हो गया, तो इसका मतलब हम लोग एकदम सही जगह पर हैं। शिट गाइस अगर हमें मिल जाता तो हमको हार्ड द सी मिल जाएगा, और उसके बाद हम लोग उससे क्या नहीं बना सकते यार गाइस, कॉन्डक्ट सब कुछ बना सकते हैं हम लोग उससे भाई। हम लोग पहुंचने वाले, आई थिंक इट्स इन दिस दिस रीजन ओनली। ये देखो गाइस हम लोग बहुत क्लोज आ गए यार, अबे हम उसी पर खड़े हैं यार। शिट गाइस ओह देखो गाइस अभी वो क्या आवाज थी, ओह इट वाज अ डॉल्फिन। अरे यार भाई मेरे पास फिश होती ना, मैं डॉल्फिन को यार खिलाता भाई। डॉल्फिन्स लाइक बहुत मजेदार क्रिएचर है भाई, बहुत ज्यादा मजेदार। तो गाइस हम लोग किधर है, एक बार दूर चलते हैं, ठीक है एक बार थोड़ा दूर चलते हैं। अब देखते हैं इसको यहाँ से आगे को चल के,
यहाँ पर, करेक्ट यहाँ पर बोल रहा है। हमारे पास यार वो नहीं है गाइज, हमको एक वो चाहिए होगा, यहाँ पर रखते हैं इसको। जंगल प्लैंक्स तो मैं यूज़ नहीं करा, ओक मेरे पास बहुत है यार, जंगल प्लैंक्स को थोड़ा रोकूंगा, क्या पता हम लोग किसी अच्छी सी चीज़ बनाने में यूज़ करें उसका। एक डायमंड का हम लोग शवल बना लेते गाइस, क्योंकि यार तुमको पता है बहुत ईजी हो जाता है शवल। एक मिनट यार, तुमको पता है ना जहाँ पर लाइक ये हमारी बहुत हेल्प करती हैं कभी कभार, ये जो होती हैं डॉल्फिन जो होती हैं गाइस। इतना आसानी से मिल गया क्या मेरे को? लगा मिल गया भाई। अच्छा ओके, ये तो कुछ और है, ये तो सैंड स्टोन हो गया ना, ये देखो। ओ भाई ये खुद घुसने की कोशिश करे भाई, यहीं कहीं है खजाना फिर। भाई डॉल्फिन एक्चुअली हमारी मदद करने के लिए होती हैं इस गेम में, पता तुम्हें? भाई 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 यार यार एचपी नहीं आ रहा रे यार, वैसे ही एचपी कम है गाइस। पहले से फटाफट से ये कर लेते हैं और अब देखते हैं, ठीक है। ये देखो भाई वो डॉल्फिन वहीं घुस रही है बार बार, वो हमें बताने की कोशिश कर रही है कि यहीं है खजाना भाई खोद, ठीक है। तो यहीं पे लग रहा है मेरे को भाई, मैं तो खोदने वाला हूँ यार, प्लीज़ हट जाओ डॉल्फिन, लग जाएगी यार चोट लग जाएगी भाई। अरे यार लग गई भाई, भाई प्लीज़ मुझे मत मारना शुरू कर देना डॉल्फिन, आई लव यू, यू नो दैट राइट। भाई अब यही सब देखना बच गया था भाई, कोई ट्राइडेंट भी फेंक के मार रहा है, वो देखो वहाँ से नीचे से ट्राइडेंट फेंक के मार रहा है सारा चोर भाई। शिट गाइस, मे बी ये पहली बार हो जब हम मर रहे हो। शिट 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 गाइस, हमको भागना पड़ेगा, रिट्रीट गाइस। निमुड़ा निमुड़ा करके मार रहा है भाई को। अरे घंटा मिलेगा यार, कुछ नहीं मिला गाइस, ट्राइडेंट ट्राइडेंट कुछ नहीं मिला, और ना ही यहाँ मिल रहा है चेस्ट भाई। मेरे को लग रहा है ये गाइस ग्लिच हो गया, क्योंकि यार देखो मैंने ना, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे को लग रहा है ये पूरा ग्लिच है। देखो रुको, हाँ मैं इसको हाथ से हटाता हूँ शील्ड को एक बार, और ये सैंड फैक्ट बेफालतू की। ये देखो ये है एक्स, ठीक है, ये देखो ये है एक्स, ठीक है। अब मैंने सिर्फ एक्स नहीं खोदा है, तुम लोग अगर देखोगे ना तो मैंने पूरा का पूरा आइलैंड का शोर खोद दिया, ये देख रहे हो तुम लोग। ओके तो गाइज हुआ यूं कि मैं कल रात को 2 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने सोचा खजाना है यार कितने में, 5-10 मिनट में मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है गाइज। हम लोगों को लिटरली अभी तक खजाना नहीं मिला है, और मैं लिटरली 1.5 घंटे तक वो जो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड है वो 1.5 घंटे चला, जिसमें 15 मिनट का इंट्रो था, 20 मिनट का इंट्रो था, और बाकी पूरा मैंने खजाना ढूंढा जो कि मेरे को नहीं मिला है। तो आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं, मेरे को बहुत मूड खराब हो गया था, लेकिन मैंने कहा था यार इस वीडियो में तुम लोगों को ये बड़ी ट्रेजर तो निकाल के दिखाना है, मतलब दिखाना है। तो गाइज हम लोग दोबारा से वही कंटिन्यू करने वाले हैं, और कैसे भी निकालूंगा यार, तुम लोग टेंशन मत लो। तो चलो गाइज गेम स्क्रीन की तरफ को। ओके तो गाइज बाई गॉड कह रहा हूँ बहुत थक चुका है, लेकिन कोई बात नहीं यार करेंगे, मतलब करेंगे। तो देखो यार मैंने ये एक्स के निशान पे इतने सारे छेद मार दिए कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैंने खोदने को तो पूरा खोद दिया यार, हमको वहाँ से ट्रेजर मिला था, हम यहाँ तक आए थे और हमने इतना खोदा था, और यार पता नहीं यार मिलने का नाम नहीं ले रहा है, बट कोई बात नहीं यार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो गाइज यार चलो खोदना वापस से चालू करते हैं, इसको मैं कैसे भी ढूंढ के रहूँगा, मैंने पूरा शोर खोद दिया, भगवान करे कि ये शोर पे ही हो, या फिर कोई काम करते हैं लोग प्रॉपर एक्स पे जाते हैं, ठीक है। क्या किस चीज़ ने मारा गया मुझे? ओके हम लोग प्रॉपर एक्स पे जाते हैं गाइज, ये देखो ये है प्रॉपर एक्स, ठीक है, जहाँ पर मैं हूँ। तो रुको फिर से देखते हैं, अब हम लोग एक्स पे हैं, एक्स पे ये आ गए हम लोग परफेक्ट एक्स पे गाइज, ठीक है। एक्चुअली एक्स पे तो एक वाटर है ही, ठीक है। तो चलो गाइज वापस से यार खोदना वोदना शुरू करते हैं, मेरे को आज तो कैसे भी इसको खजाने को निकालना है, तो यार ये खोदना चालू करते हैं दोबारा से। ओके तो गाइज मैंने शेडर्स कर दिए ऑफ, और यार मैं ऊपर का पूरा खोद चुका हूँ, देखो जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम दरवाज़ा लगाया था, लेकिन मेरे को अभी तक नहीं मिला है। तो कोई बात नहीं यार, खोदने को तो क्या है, हम लोग खोदने को तो खोदते रहेंगे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, एक बार रुको यार इसको मैं निकालूंगा, नहीं रुको जरा इसमें से भाई, देखो आई होप ये भाई वर्थ इट हो, मैंने झूठ से हटके भाई ये देख रहा हूँ इतना यहाँ पे खोदा है, इतना यहाँ पे खोदा है। हमारा बेड हुआ करता था गाइस यहाँ पर, हवा में लटक गया था बेड, उसके बाद मैं लाइक कुछ टाइम मैं रीच भी नहीं कर पाता ढंग से, और क्रीपर क्रीपर आ रहे थे बहुत, तो इसलिए मैं इधर को आ गया। और उसके बाद देख रहा हूँ गाइस मजाक से हटके यार हम लोगों ने पूरा एरिया खोद दिया। एक बार मेरे को बताओ क्या ये एक्स के आस पास भी है? रुको जरा ये है ना खजाना, रुको जरा मैं चेक करता हूँ भाई, इस गेम ने जितना मेरे को दुखी करा ना मैं जानता हूँ भाई, रुको एक बार ये देखते हैं भाई, ये एक तरह से परफेक्ट एक्स पे है वैसे। चलो ठीक है यार इतना तो फिर ठीक है मैं दे दूंगा। चलो गाइस अंदर चलते हैं, मैंने बाय द वे शेडर्स ऑफ कर दिए क्योंकि पानी के अंदर दिखने में बहुत मुश्किल होती है इतना खोदने में। ओके तो गाइस चलो इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है।
ओ भाई साहब, प्रिज्मरीन क्रिस्टल्स। ओके, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है प्रिज्मरीन क्रिस्टल से क्या होता है। कुक्ड सैल्मन पड़ी हुई है, कुक्ड सैल्मन भी लेते हैं। 5 एमराल्ड्स मिल गए हमको फ्री के, 2 डायमंड्स मिल गए हैं, 1 हार्ट 80 रुपए इसको लास्ट में डालेंगे, ठीक है। और TNT पर मिल गया हमको 3। ओके, ये TNT कहाँ रखूँ मैं, ये साइड पे रखते हैं, TNT लेते हैं। और बाकी तो यार आयरन इंगेट तो यार चाहिए चाहिए। अब अच्छा, हार्ट ऑफ सी, गाइस मेरे को एक चीज़ बताओ, हार्ट ऑफ सी से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। मेरे को पता है कॉन्डक्ट बनता है, वो कॉन्डक्ट कैसे बनता है मुझे वो भी नहीं पता, मेरे को थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, तो मेरे को बताना लेकिन यार गाइस कॉमेंट्स में कि क्या कर सकते हैं इस चीज़ से। बाकी हार्ट ऑफ सी को मैं लेता हूँ और ये बड़ी ट्रेजर को यहाँ डालता। अब जो भी बंदा आएगा, अगर उसको ट्रेजर दिख जाता है जो कि उसको दिखना चाहिए, अगर वो शोर पाता है, क्योंकि मैंने बिल्कुल एकदम ऊबड़ खाबड़ कर दिया शोर, तो गाइस अगर उसको ये दिखता है तो उसको इसके अंदर बड़ी ट्रेजर मैप मिलेगा, वो खुश होगा और उसके बाद उसको पता चलेगा भाई मेरा तो कट गया है। तो गाइस इसका मतलब वो बेचारा तो रोएगा भाई हमारी वजह से। और अब हमको ये दोनों चीज़ों को भी लेके चलना है यहाँ से। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लाइक मतलब वर्थ इट था मेरे हिसाब से यार, लेकिन ठीक है, मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, मेरे को लग रहा है ऐसा कि इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए था, बट ठीक है, अब लग गया तो लग गया, क्या कर सकते हैं यार, थोड़ा काम तो एटलीस्ट मतलब सामान मिल गया ना यार, वो बहुत बड़ी बात होती है। थोड़ा सैंडस्टोन तो मैं घर ले जा रहा हूँ अपना ट्री हाउस को, थोड़ा डेकोरेट करूँगा इससे, ठीक है। तो गाइस चलो निकलते हैं यार अपने घर की तरफ को, ठीक है। हम लोग हाँ इस साइड से आए थे, ठीक है, तो आप निकलते हैं इस घर की तरफ को और जल्दी से जाके वहां पर एक बार देखते हैं हम लोग क्या क्या लेके आए हैं, अपने चेस्ट में भरते हैं और उसके बाद आपसे थोड़ी बातें करते हैं। ओके, तो मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है दूर से। ओके, तो गाइस दिख गया, मेरे को दिख गया, दूर से दिख गया, वो देखो वो है अपना घर और ये है अपनी गौ माता जो हमारे घर में कभी नहीं पधारती है। यार कुछ तो मुझे करना पड़ेगा यार, ये गौ माता हमको चाहिए गाइस। तो ये लो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं यार, क्या ही खूबसूरत लगता है यार दूर से घर अपना, मजाक से हटके भाई, भाई पूरी दुनिया एक तरफ, अपना घर एक तरफ। पहले इसको काट लेते गाइस, ये ले लेते वापस बोट, एक्चुअली बोट हम लोग यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, लाइक नहीं यार डिस्पॉन ना हो जाएगा, खाली पता चला डिस्पॉन हो गई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, चलो गाइस एक बार देखें हमारी फसल वसल का क्या सीन है। गाइस हम लोग इतने टाइम के लिए गए थे, हमारी फसल नहीं उगी हुई है, ऐसा क्या है भाई, हमको आसपास रहना होता है क्या यार, हम लोग कम से कम नहीं तो 4-5 दिन से गए हुए हैं और ये फसल खाली इतनी सी उगी है, ऐसा ऐसा कैसे होता है यार। बट हैक मैं तो सोच रहा था यार घर आऊंगा पूरी फसल उगी भी मिलेगी, थोड़ा टाइम बचेगा मेरा, बट ठीक है कोई बात नहीं, जो भी सीन हुआ होगा सीन सपाटा देख लेंगे गाइस। सबसे पहले तो हम लोग यार वापस रख देते हैं अपना सारा का सारा औजार सामान जितना हमारा है, वो सारा का सारा हम लोग वापस रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा करने वाला चेल्स। ओके, ये है यहाँ पर हम लोग रखेंगे गाइस अपना सारा का सारा, हम आयरन ले गया 44 आयरन हो गया, 2 डायमंड ले गया, 6 डायमंड हो गया, हम लोग को डायमंड आर्मर बनाना है अगला अपने लिए, ठीक है। और एमरल्ड लेके आए, एमरल्ड यार वहाँ पे एक भी नहीं था, वहाँ पर 10 एमरल्ड आए, लैपिस लजूली लेके आए हम लोग, लैपिस लजूला, और हार्ट ऑफ द सी लेके आ गए भाई, ये सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए अभी तक का। एक गोल्ड का इंगेट मिला था मेरे को वहाँ पर, एक उसको मारा था मैंने, क्या कहते हैं ड्राउंड जॉम्बी को मारा था तो उसने गिराया था एक गोल्ड का इंगेट। तो गाइस यार क्या ही हो गया, बूम बाम एकदम गजब की चीज यार, हार्ट ऑफ द सी मिल गया है, 2 डायमंड मिल गए, ये बड़ी ट्रेजर। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस एपिसोड में निकला था ये करने के लिए कि यार कैसे भी एटलीस्ट एक वो ढूंढते हैं, क्या कहते हैं एक विलेज ढूंढते हैं, कैसे भी विलेज तो मिला नहीं, बट यार बड़ी ट्रेजर मिला और इसको ढूंढने में आए हाय हाय मेरी क्या ही हालत खराब हुई है। और अभी घर देख के जो खुशी हो रही है ना यार, मजाक से हट गया यार, घर अपनी जगह होता है भाई। तो यार इतना घूम घाम के हम लोग आए और लास्ट में आए भाई घर को, तो यार लौट के बाद घर का आए वाली फीलिंग भी आ रही है। लेकिन जो मेन चीज़ है जिस चीज़ के लिए मैं इतना खुश हो रहा हूँ कि यार हम लोगों को बड़ी ट्रेजर मिल गया है। और गाइस यार हमारे पास हार्ड से सी है, हम लोग यहाँ पे नीचे कॉन्डक्ट बना सकते हैं प्रॉपर एकदम, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि ये कॉन्डक्ट होता क्या है, इसे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बाकी तुम लोग भी मेरे को कॉमेंट्स में बता दो यार जल्दी से, ठीक है, इस कॉन्डक्ट से क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। बाकी यार मतलब हम लोगों ने यार क्या करने निकले थे और क्या हो गया, लेकिन वो भी हम लोगों ने अच्छे से कर दिया, तो यार बड़ी एक अच्छी सी पता नहीं क्यों खुशी सी हो रही है यार, आई डोंट नो यार, आई जस्ट लव इट, ठीक है। तो हम लोग को अब गाइस देखो अब हमको क्या करना है यार, ये सब तो ठीक है लेकिन हमारे पास थोड़ा मेटल वेटल बहुत कम है, ठीक है, थोड़ा नहीं, हमारे पास आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, हर चीज़ की कम है, डायमंड्स की तो है ही है, क्योंकि हम लोगों को एक आर्मर भी चाहिए और जल्दी से नेदर जाके थोड़ा उधर से भी ब्लेज रॉड वो सब चीज़ें लानी, ताकि हम लोग लाइक पोशंस ब्रूइंग और ये सब चीज़ें भी शुरू कर पाएँ। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से गए, मैं खोद देता हूँ एक, ठीक है,
तो यहाँ से गाइज हम लोग एक नीचे डीप खोदे और वहां पर एक अपने लिए माइन बनाए खतरनाक वाली, लाइक एकदम प्रोफेशनल माइन, ऐसी नहीं आड़ी तेड़ी माइन कुछ भी, भाई एकदम प्रोफेशनल वाली माइन बनाएंगे, टेंशन मत लो। तो गाइज अभी के लिए चलते हैं, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस एपिसोड में। यार ये तो ये अभी तक का ऐसा था ना अनप्रिडिक्टेबल, मतलब कुछ भी हो गया भाई, हम क्या करने गए थे और क्या करके आगे, बट बहुत ज्यादा मजा आया गाइज। आई होप आप लोगों को भी मजा आया जितना मजा आया। और यस यार गाइज प्लीज लाइक कर दो, इस बार लाइक का गोल मैं हल्का सा बढ़ा रहा हूँ, 4000 लाइक्स का गोल रखे तो 4000 लाइक करवा दो यार। और जो भी नया है सब्सक्राइब कर दो, 15,000 सब्सक्राइबर्स की अगली रेस है, तो जो भी नया है जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।